हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनीट्री रोबो ने प्री मार्केट के एनालिसिस में किस तरीके से आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है नीचे जाएंगे, कौन कौन से स्टॉक्स जो है ऊपर जाएंगे। दोस्तों, तो प्री मार्केट एनालिसिस जो है इसका यूनिक है, जो कि आपको लास्ट 4 डेज के आप एनालिसिस को, प्री मार्केट के चेंजेज, स्टॉक्स के ओपनिंग के चेंजेज को देख सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम को देख सकते हैं, क्वांटिटी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं। एफ&ओ सेक्टर सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद हमने परसेंटेज चेंज सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि आइडिया जो है प्री मार्केट में 9.5% नीचे गिर रहा है। अब आइडिया को देखते हैं कि उसके बाद कितने का लो बनाया। आप देख सकते हैं देखिए, आइडिया 8.5 का लो बनाया और हाई 9.45 का बनाया दोस्तों। तो इस तरीके से प्री मार्केट एनालिसिस में ही आप जो है स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं, मान लीजिए अब परसेंटेज हाई वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है मॉर्निंग ट्रेड में परसेंटेज हाई वॉल्यूम के साथ है। आप देखिए, आइडिया देख रहे हैं कि एक 51% T-1 डेज में था और आज का मॉर्निंग का वॉल्यूम था 626%, और मार्केट और गिर भी गया है स्टॉक्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री मार्केट में कोई स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं एस्कॉर्ट के बारे में। प्री मार्केट वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, अब इसकी प्राइस देखते हैं कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ है इसके साथ में। दोस्तों ये भी स्टॉक जो है प्री मार्केट में गिरा है, प्री मार्केट बाद गिरा ही है। आप देख सकते हैं ओपनिंग हुई है 1235 में, हाई बनाया है 1241 का, उसके बाद नीचे ही गया है, 2 से 3% नीचे ही आया गिरने के बाद, ओपनिंग के बाद। तो दोस्तों ये है, हाई वॉल्यूम था और गिरा भी ये स्टॉक्स। उसके बाद हम चलते हैं हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में, दूसरे हाई वॉल्यूम स्टॉक चूज करते हैं। दीपक नाइट्राइड मॉर्निंग एक दिन पहले 31% था और दूसरे दिन है 193%। इसका देखते हैं क्या हुआ इसके साथ में दोस्तों। कम से कम दोस्तों वॉल्यूम का अंतर 3 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। एक दिन पहले के वॉल्यूम और आज के वॉल्यूम में 3 टाइम्स का मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 4% बढ़ा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्री मार्केट में ही एनालिसिस से पकड़ सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा दोस्तों। सिमिलरली इस तरीके से जिस स्टॉक्स में भी, अब टाटा मोटर DBR देखते हैं दोस्तों, 18% है और जो आज का वॉल्यूम था वॉल्यूम पर 136%। टाटा मोटर DBR देखते हैं क्या हुआ आज। इस तरीके से आप प्री मार्केट में दोस्तों श्योर शॉट पकड़ सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन के द्वारा दोस्तों। आप देख सकते हैं ओपनिंग 55 का हुआ है, 155 का, और हाई बनाया है 158 का, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये ऊपर तरफ में ही ट्रेड कर रहा था। तो आप प्री मार्केट में अगर वह 156 पे भी पकड़ लेते तो 2 रुपये आपको मिल जाता दोस्तों इंट्राडे में। तो इंट्राडे के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस। इस तरीके से आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से आप अपना सेक्रेट भी यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों मनीट्री रोबो का प्री मार्केट का एनालिसिस आज का। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आप जो है निफ्टी का लेवल्स पहले से कैसे पता कर सकते हैं और किस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। हमने गए प्रीमियम सर्विस के अंदर में, निफ्टी सिग्नल पर गए और निफ्टी सिग्नल के बाद में जो है हमने ये देखा कि सेल का दे रहा है, निफ्टी सेल में ही है, 9:35 पर दिया सेल ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके, यहाँ से इसका लेवल देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। बाई एबव का लेवल था 746, 15,746 का बाई एबव का, इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाई करना था। और सेल बिलो का लेवल था 15,723 दोस्तों। आप देख सकते हैं कहाँ तक नीचे गिरा है दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम आते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सेल का था मॉर्निंग का ही,
9:25 पे दिया था 34,796, उसके बाद आप लो बनाया था, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कितना लो बनाया था। और उसके बाद जो है बाई दिया था 34,879, वो भी 1:50 पे, फिर 1-5 मिनट के अंदर ही सेल भी आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप निफ्टी, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना नीचे आया था दोस्तों। तो ये है मनी ट्री रोबो के, आप यहाँ से इसका लेवल भी देख सकते हैं कि आपको बाई करना था 34,840 के ऊपर में और सेल करना था 34,746 के नीचे में। ये तो लेवल्स थे, लेकिन इसका सिग्नल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल का सिग्नल आया था। 34,863 पे ही सेल दे दिया था दोबारा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिग्नल का यूज कर सकते हैं, लेवल का यूज कर सकते हैं, जो टारगेट पेज से भी आप आसानी से इस पेज के बेसिस पे आप जो है इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए लेवल के साथ में, टाइमिंग के साथ में आपको सब कुछ दे रहा है दोस्तों। बाई अबव लेवल है, बाई पे क्लिक करेंगे तो बाई अबव लेवल आएगा। आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन, इसका बाई का रिकमेंडेशन था दीपक नाइट्राइट का 1839 में 9:35 पे ही, और देखिए कितना हाई बनाया था। अगर आपने बाई एबव के ऊपर भी अगर बाई किया होता, मान लीजिए कि बाई एबव का लेवल था इसका 1852 का, इसके ऊपर बाई किया होता तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता इंट्राडे में। अदरवाइज आपने, हमने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि आपको जो है बाई एबव के ऊपर या रिकमेंडेड प्राइस के ऊपर 0.5% ऊपर आपको बाई करना है, 0.5 से 1% ऊपर बाई करना है ब्लाइंडली, और उस लेवल से 0.5% चाहे 1% नीचे जो है स्टॉप लॉस डाल देना है दोस्तों। डेट्स ऑल दोस्तों, इस तरीके से आप जो है किसी भी स्टॉक का यहाँ सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का सर्च कर सकते हैं। सारी क्वारी आपकी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसका बाई अबव क्या होगा, सेल बिलो क्या होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये देखिए दोस्तों बाई अबव लेवल्स। अब ये देखिए कितना दिया था, 4188 का दिया था और हाई कितना 4250 बनाया था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बाई अबव सेल बिलो का यूज कर सकते हैं और इस मनी ट्री रोबो का एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियोज। दैट्स ऑल दोस्तों।